तो आज के इस वीडियो में Realme 11 5G का आज अनबॉक्सिंग करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके का इसमें आपको फोन देखने को मिलता है, और जो इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो भी टेस्ट किए हैं। सबसे पहले इसे क्विकली अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है। तो सिंपली हम यहाँ से बॉक्स करते हैं ओपन। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा छोटा सा, इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा मैनुअल यूजर कार्ड, जो कि इसको आप साइड में रख दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर एक मिलता है केस, जो कि ट्रांसपेरेंट केस है, ये भी केस आपको वक्त के साथ अपना रंग बदल देगा। और यहाँ पर फोन निकल के आ जाता है, रखते हैं इसे साइड में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है चार्जर, जो कि यहाँ पर 80 वाट का चार्जर है, लेकिन फोन आपका 67 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है, तो ये चीज एक ध्यान में रखें। और साथ में यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने को मिलता है। बॉक्स को रहते हैं साइड में। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फोन की तरफ। ये जो फोन है वो एक स्टाइलिश फोन है, और जो अगर डिजाइन की बात करें तो ये एक बॉक्सी डिजाइन है, और प्लस में इसका फ्रेम जो है वो पूरी तरीके से ग्लासिक फिनिश है, तो यहाँ पर जो चमक है वो इसके अंदर देखने को मिलती है, और फिंगरप्रिंट आपको फ्रेम में दिख जाएगा। और वहीं पर बैक पैनल में बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, हालांकि दिखता ग्लास टाइप पर है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक के मटेरियल यूज किया गया है। और साथ में इसके अंदर आपको यहाँ पर थोड़ी सी चमक चमक सा मिल भी जाएगा, और साथ में अगर इसको लाइटिंग के साथ अगर आप इधर उधर फोन करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी मिलता है, जिसकी वजह से डिजाइन थोड़ा सा यूनिक बनता है। यह फोन के अंदर कैमरे मॉड्यूल में यहाँ पर रिंग दिया गया है, वो डबल रिंग टाइप पर लगता है, जो कि यहाँ पर जैसे एक ताला दो ताला जिस तरीके से होता है, उस तरीके से यहाँ पर दो रिंग टाइप पर दिया है, तो ये एक अलग यूनिक है। और साथ में उसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर टेक्सचर भी दिया गया है, हालांकि हाथों से फील नहीं होगा, लेकिन देखने में आपको टेक्सचर महसूस होता है किनारे किनारे, तो ये एक मतलब लुक को अलग बनाने की कोशिश किया है रियलमी ने। और इसके अंदर एक ही कैमरा देखने को मिलता है, आगे हम बात करेंगे। सो इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर ठीक ठाक है। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर यूट्यूब जो आप कंटेंट देखते हैं तो उसमें 2K का आपको ऑप्शन मिलता है, यानी 1444 यहाँ पर आपको मिलता है रेजोल्यूशन, और साथ में उसके अंदर आपको 60 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। HDR वगैरह का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा है। तो साथ में इसके अंदर 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश के साथ भी आता है, तो इस हिसाब से आपको स्क्रॉलिंग जो है वो अच्छा मिल जाएगा। तो अगर इसकी बेजल्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में जो इसका बेजल है वो थोड़ा सा बेजल चिन्ह ज्यादा देखने को मिलता है नॉर्मल फोनों में, क्योंकि नॉर्मल ऊपर की ओर इतना ज्यादा बेजल नहीं मिलता है। हालांकि नीचे की बात करें तो ये नॉर्मली बजट फोनों में इतना बेजल तो देखने को मिलता ही है, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा कम किया जा सकता है बेजल को, लेकिन अगर इसे आप कंटेंट वगैरह देखते हैं तो उसमें कोई इतना ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। सो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर इसके अंदर जो चिपसेट है वो एक न्यू चिपसेट को यूज किया गया है, तो यहाँ पर मीडिया की तरफ से आया है 6100+। ये जो प्रोसेसर है ये फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये खुद 4K का सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ना आप 4K का वीडियो शूट कर सकते हैं ना वीडियो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो 4K का लिए कैपेबल नहीं है। और अगर हम इसका देखें तो ये करीब आता है स्नैपड्रैगन का 695 के करीब, तो अगर दोनों के कंपैरिजन भी कीजिएगा तो आप वीडियो देख सकते हैं कोई और वीडियो, तो उसमें आपको 695 ही कुछ चीजों में बेटर मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसी के कंपटीशन में है, लेकिन इसके अंदर भी 4K रेजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आगे हम इसके सारे चीज हम टेस्ट करने वाले हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, बैटरी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, सारी चीज होगी। तो इसके वेरियंट की बात करें तो ये है 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पर इसके अंदर 8 GB का एक्सपेंड भी मिलता है कि आप अपने रैम को बढ़ा सकते हैं, हालांकि ये ब्रांड की तरफ से बेवकूफी बनाने के लिए होता है, क्योंकि वर्चुअल रैम हम लेके ही क्या करेंगे, मेरा स्टोरेज से यूज होता है तो इसका अलग फंडा है। तो यहाँ पर आप 8 GB मानकर चले, 256 GB इंटरनल स्टोरेज है, अच्छा है, लेकिन इस प्राइस में और भी फोन के अंदर मिल रहा है। सो अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे प्राइमरी कैमरा जो है वो 108 MP का कैमरा मिलता है, 108 MP का, और जो यहाँ पर सेकेंडरी कैमरा है वो 2 MP का मिलता है, जो कि कोई भी काम नहीं आने वाला है। यहाँ पर अगर हम 108 MP का कैमरे से अगर फोटोज ले तो यहाँ पर डिटेलिंग अच्छी खासी मिलती है, फोटोज भी आपको अच्छी निकल के आ जाती है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर डल फोटो देखने को मिलती है, मतलब नेचुरल टाइप पर है, लेकिन अगर आप फेस वगैरह देखें तो वहाँ पर नेचुरल नहीं लगता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको व्हाइट कर देता है, जो कि ये नेचुरल आपको रियलमी के अंदर ये स्किन टोन देखने को मिलता है हर फोन में, तो वही चीज आपको फिर से इसके अंदर मिलता है। लेकिन हाँ, पोर्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट को अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, कहीं कि आप किनारे आप देख सकते हैं
और ये सब्जेक्ट को भी ब्लर कर दिया है और प्लस में एज डिटेक्शन इसका सही नहीं है, तो ये चीजें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप पोर्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं इस फोन को, इसके अंदर उतना अच्छा आपको पोर्ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और इसके अंदर अगर हम डिटेल वगैरह की बात करें, डिटेल अच्छी खासी मिल जाती है। फिर से वही है कि एज डिटेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम पूरे तरीके से कैमरा टेस्ट में बताएंगे कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, अभी ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाया है, तो उसके लिए भी आप वीडियो को वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एज डिटेक्शन में यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ी सी कमी लगती है इसके अंदर, जो कि अगर सॉफ्टवेयर को अपडेट के जरिए अगर फिक्स किया जाए तो पोर्ट्रेट अच्छा हो सकता है। जो वीडियो शूट हो रही है वो 1080p 30fps के साथ वीडियो शूट हो रही है, और इसका स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं, हालांकि इसके अंदर कोई स्टेबलाइजेशन दिया नहीं गया है, और आप डिटेल वगैरह देख सकते हैं। और इसके इंटरनल माइक से ये आवाज़ शूट हो रही है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके अंदर आवाज़ किस तरीके से रिकॉर्ड होती है और नॉइस कैंसिलेशन किस तरीके से है। और जस्ट मेरे सामने सन है, तो इससे आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये ब्राइटनेस को हैंडल करता है। और जस्ट इसके हम अपोजिट होते हैं सन के, तो ये देख सकते हैं डायनेमिक रेंज किस तरीके से हैंडल कर रहा है, तो आपको इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करता है। अगर इसके वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1080p 30fps के साथ प्राइमरी कैमरे से वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप फ्रंट कैमरे से भी 1080p 30fps के साथ कर सकते हैं। इसके अंदर अल्ट्रा वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, अल्ट्रा वाइड ये सेंसर नहीं है, तो आप मेन कैमरे ही से ही जो है वो शूट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम प्राइमरी कैमरे की बात करें तो इसके अंदर OIS देखने को नहीं मिलता है। जनरली क्या होता है कि 15,000 के फोनों में भी आपको OIS देखने को मिलता है, लेकिन ये 18,000 से 20,000 के रेंज में आने वाला फोन में OIS नहीं है, थोड़ा सा ये कमी खलता है इसके अंदर। और साथ में अगर हम देखें तो इसकी वीडियो देखने के बाद ये पता चला कि इसके अंदर EIS तो सपोर्ट करता है, क्योंकि हम कहीं पर भी ऐसे वेबसाइट वगैरह पर देखें तो वहां पर मेंशन नहीं था कि इसके अंदर EIS है, लेकिन वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज लगा, तो लगा कि हाँ इसके अंदर EIS है। और वही फ्रंट कैमरे की बात करें तो ना इसके अंदर EIS है ना OIS है, तो यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरे में नहीं मिलेगा। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको व्लॉगिंग व्लॉगिंग करना है तो फिर आपके लिए तो टाटा बाय बाय। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की ओर, तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 67W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है। हालांकि बॉक्स के अंदर 80W का चार्जर मिलता है तो वो सपोर्ट नहीं करता है, और ये ब्रांड के तरफ से ये क्लेम है कि 17 मिनट में आपको 50% बैटरी चार्ज हो जाएगी। बैटरी टेस्ट में भी देखेंगे कि क्या 70 मिनट में यहाँ पर 50% हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये एक ऑफलाइन फोन लिया गया है, तो अगर हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर देखें तो 19999 के साथ आता है 20,000 को। अगर यही फ्लिपकार्ट पर देखें तो 17800 कुछ यहाँ पर दिखा रहा था, 94 दिखा रहा था, तो यानी कुल मिला के 18,000 यहाँ पर दिखा रहा था अमेजोन पे, तो ये ऑफलाइन में भी 18,000 के लिया गया है। तो इस प्राइस रेंज के साथ ये फोन आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।